पानी के बिल पर केजरीवाल सरकार ने दी बड़ी राहत। रोहिणी कोर्ट की सुरक्षा पर वकीलों ने उठाया सवाल। बीएसई पास क्यों चढ़ा पुलिस के हत्थे? निकाल लीजिए कंबल और स्वेटर, दिल्ली की सर्दी दिखाने वाली है अपना असर। और कैटरीना कैफ और विकी कौशल की शादी पर दिल्ली पुलिस का ट्वीट वायरल, मजे लेने वालों की लगी लंबी लाइन। जानिए सारी खबरें आज की टॉप 10 न्यूज में। नमस्कार, मैं हूँ सुप्रिया सिंह। खबरों की शुरुआत करने से पहले आपको बता दें, द भारत खबर की टीम निकली है पंजाब की चुनावी यात्रा पर। माहौल क्या है, लोगों की राय क्या है और पंजाब की गलियों में किसके चर्चे हैं, जानने के लिए देखिए पंजाब की चुनावी यात्रा। पंचतत्व में विलीन हो गए सीडीएस बिपिन रावत। शुक्रवार दोपहर सीडीएस बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत का पार्थिव शरीर दिल्ली कैंट लाया गया। वहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सैन्य कमांडरों समेत कई विदेशी अधिकारियों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान भारतीय सेना ने भी अपने सीडीएस को 17 तोपों की सलामी दी। इसके बाद दोनों बेटियां कृतिका और तारिणी ने मिलकर माता पिता का अंतिम संस्कार किया। जनरल रावत की अंतिम यात्रा के वक्त भारतीय सेना के 800 से ज्यादा जवान वहां मौजूद थे। केजरीवाल सरकार ने दी दिल्ली वालों को बड़ी सौगात। दिल्ली के जल मंत्री और जल बोर्ड के अध्यक्ष सत्येंद्र जैन ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में अब पानी का बिल पिछले महीने के बिल के 1.5 गुना से अधिक नहीं हो सकता। एक आधिकारिक बयान में जैन ने कहा, दिल्ली जल बोर्ड ने आज अपने बिलिंग सिस्टम को अपडेट कर दिया है। अब आपका बिल पिछले महीने के 1.5 गुना से अधिक नहीं हो सकता। यदि ये इससे ज्यादा आता है तो ग्राहक को स्पष्टीकरण दिया जाएगा और इसके प्रति बोर्ड जवाबदेह और जिम्मेदार होगा। राजस्थान में ओमिक्रॉन संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आई दिल्ली निवासी महिला को भी हुआ कोरोना। राजस्थान में ओमिक्रॉन संक्रमित मिले एक व्यक्ति के संपर्क में आई दक्षिणी दिल्ली की महिला भी कोविड-19 पॉजिटिव पाई गई है। महिला को लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल के आइसोलेशन फैसिलिटी में शिफ्ट किया गया है। अधिकारियों ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि फिलहाल महिला के संपर्क में आने वालों का पता लगाया जा रहा है। वहीं परिवार के 17 सदस्यों को भी होम क्वारंटाइन में रखा गया है। वहीं राजधानी में कोरोना के नए आंकड़ों की बात करें तो बीते 24 घंटे में 59,000 से ज्यादा टेस्ट करने के बाद सामने आए 41 नए मामले। 57 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। कोविड से एक भी मौत नहीं हुई। दिल्ली में कलेक्टिव केसों की संख्या 370। वकीलों ने रोहिणी कोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था पर उठाए सवाल। रोहिणी कोर्ट के अंदर एक के बाद एक हो रहे वारदात के बाद वकीलों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। वकीलों का कहना है कि अभी सितंबर में ही कोर्ट रूम में इतनी बड़ी वारदात हुई है, इसके बाद भी कोर्ट की सुरक्षा में चूक हो गई। वकीलों का कहना है कि अब उन्हें भी डर सताने लगा है कि कहीं उनके साथ भी कोई अनहोनी ना हो जाए। वकीलों ने इस पूरी वारदात को लेकर हाई लेवल जांच की मांग करते हुए कोर्ट की सुरक्षा पुख्ता करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि सितंबर में कोर्ट रूम में हुई घटना के बाद से कोर्ट की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पहले वकीलों से आईडी कार्ड नहीं देखे जाते थे, कोई भी वकीलों की यूनिफॉर्म में कोर्ट में एंट्री कर जाता था, लेकिन अब गाड़ियों पर बिना स्टिकर और आईडी कार्ड के कोई भी वकील एंट्री नहीं कर सकता है। लेकिन गाड़ियों की चेकिंग फिर भी नहीं हो रही है। ऐसे में मौका देख कहीं ना कहीं से बॉम्ब कोर्ट तक पहुंचा है, जिससे ये ब्लास्ट हुआ। अगर ब्लास्ट तेज होता तो शायद कई लोगों की जान भी जा सकती थी। सर्द रातों ने बढ़ाई दिल्ली की सड़कों पर रहते बेघरों की मुश्किलें। पहाड़ों में हो रही बर्फबारी और राष्ट्रीय राजधानी में हाल ही में हुई बारिश से ठंड बढ़ती जा रही है। इसके साथ खुले आसमान के नीचे रात गुजारने वाले बेघरों की मुश्किलें भी बढ़ती जा रही हैं। सर्द रात में सड़क किनारे फुटपाथ और दुकानों के किनारे ठिठुरते हुए रात गुजारते हुए बेघर देखे जा रहे हैं। ऐसे में ठंड लगने से इनकी मौतों के मामले भी बढ़ने लगे हैं। वैसे सरकार की ओर से इन्हें ठंड से बचाने के लिए रैन बसेरी और नाइट शेल्टर होम की व्यवस्था है, पर इनका आरोप है कि उन्हें बिना पहचान पत्र के वहां एंट्री नहीं मिलती है। वहीं एक अधिकारी का कहना है कि नाइट शेल्टर में रहने के लिए कोई पहचान पत्र नहीं चाहिए। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो उस पर कार्रवाई भी की जा सकती है। दो कुख्यात इनामी बदमाश चढ़े पुलिस के हत्थे। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने लूटपाट, अपहरण व कार लूट के कई मामलों को अंजाम दे चुके दो कुख्यात बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इन पर दिल्ली पुलिस ने 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। आपको बता दें, आरोपी रवि कुमार ने दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ फायर सेफ्टी द्वारका से 1 साल का डिप्लोमा भी किया हुआ है। नौकरी नहीं मिलने पर जल्द पैसा कमाने के लिए उसने अपराध की दुनिया में कदम रख दिया। दिल्ली एयरपोर्ट पर पकड़ी गई विदेश से आ रही 42 करोड़ की कोकीन। दिल्ली एयरपोर्ट पर कस्टम डिपार्टमेंट ने 2,838 ग्राम कोकीन पकड़ी है। इसकी इंटरनेशनल मार्केट में 42 करोड़ रुपए से अधिक कीमत बताई जा रही है। दरअसल कस्टम अधिकारियों ने इनपुट के आधार पर दोहा होते हुए लगौस से आ रही एक नाइजीरियन मूल की महिला को इंटरसेप्ट किया, जो कतर एयरवेज से दिल्ली एयरपोर्ट पहुंची थी। कस्टम अधिकारियों ने तुरंत नाइजीरियन महिला को हिरासत में ले लिया। महिला से पूछताछ में बताया कि ड्रग रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट के बाहर एक महिला खड़ी है। अधिकारियों ने तुरंत एयरपोर्ट के बाहर मौजूद महिला को हिरासत में ले लिया, जो नाइजीरियन मूल की ही थी। फिलहाल कस्टम अधिकारी मामले की छानबीन कर रहे हैं। क्रेडिट कार्ड का लिमिट बढ़ाने का झांसा देकर ठगी करने वाले दो गिरफ्तार। उत्तरी जिला साइबर पुलिस थाना टीम ने लोगों के क्रेडिट कार्ड के लिमिट को बढ़ाने का झांसा देकर ठगी करने वाले दो ठगों को गिरफ्तार किया है।
पुलिस ने मामले में आरोपी बिहार के समस्तीपुर निवासी अनंत चौधरी और दिल्ली के नजफगढ़ के रहने वाले अमन को गिरफ्तार किया है। दरअसल एक मामले की जांच में पता चला कि आरोपी लोगों के क्रेडिट कार्ड के लिमिट बढ़ाने को लेकर फोन करते और उनके ओटीपी लेकर उनके क्रेडिट कार्ड से पैसे अलग अलग वॉलेट में भेज देते थे। पुलिस ने इनके पास से 4 मोबाइल फोन, 2 सिम, 15,000 नकद बरामद किया है। कपकपाती ठंड के लिए हो जाइए तैयार। दिल्ली एनसीआर में शुक्रवार सुबह से ही मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदला हुआ दिखाई दिया। सर्द हवाओं के चलते दिल्ली एनसीआर के करोड़ों लोगों को शुक्रवार सुबह हल्की कपकपाने वाली सर्दी महसूस हुई। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में सर्द हवाओं के चलते न केवल न्यूनतम और अधिकतम तापमान में कमी आएगी बल्कि जोरदार ठंड भी शुरू होने जा रही है। मौसम विभाग पिछले महीने ही कह चुका है कि दिसंबर से लेकर फरवरी तक यानी लगभग 3 महीने दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में जोरदार ठंड पड़ेगी। इस दौरान पिछले कई सालों के रिकॉर्ड भी टूट सकते हैं। विकी कैटरीना की शादी पर दिल्ली पुलिस ने किया कमेंट। मौज लेने वालों की लग गई लंबी लाइन। इस साल की सबसे चर्चित आलिशान और सीक्रेट शादी अब संपन्न हो चुकी है। ये शादी थी अभिनेत्री कैटरीना कैफ और अभिनेता विकी कौशल की, जो 9 दिसंबर को राजस्थान के जोधपुर में पूरे शाही अंदाज से संपन्न हुई। शादी में शामिल होने वाले मेहमानों को एक सीक्रेट कोड दिया गया था। इसी को आधार बनाते हुए दिल्ली पुलिस के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया, हेलो, आप अपना पासवर्ड वैसे ही सिक्योर रखिए जैसे विकी कैटरीना की शादी थी। पुलिस का इतना लिखना था कि लोगों का ध्यान इस पर गया और देखते ही देखते ये ट्वीट वायरल हो गया। लोग इस पर तरह तरह के कमेंट्स करने लगे। एक यूजर ने लिखा है कि पुलिस भी कॉमेडी कर रही है, उसका ये साइड देखकर अच्छा लगा।